देश का केंद्रीय रिजर्व बैंक अपने डिजिटल करेंसी के पॉपुलैरिटी से काफी गदगद है। पिछले साल दिसंबर महीने में आरबीआई ने डिजिटल मुद्रा यानी डिजिटल करेंसी के दो कैटेगरी को लॉन्च किया था। पहला CBDCW मतलब होलसेल करेंसी और दूसरा CBDCR का मतलब रिटेल करेंसी। इसको आरबीआई ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया था। पहले चरण में डिजिटल करेंसी को देश के 5 शहरों के 8 बैंकों में शुरू किया गया था, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसे जल्द ही 9 और शहरों के 5 बैंकों में शुरू किया जाएगा। अब इसी खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में देश का केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी CBDC में और बैंकों और जगहों को शामिल करने के लिए धीरे धीरे इसका विस्तार करना चाहता है। इस बात की पुष्टि रिजर्व बैंक ने अपने 2022-23 की रिपोर्ट में भी किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिजिटल करेंसी को देश के 9 और शहरों के 5 बैंकों में शुरू किया जाएगा। अब इन बैंकों के नाम जान लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक में ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी। बता दें, ई रूपी करेंसी का डिजिटल रूप है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये दो तरह की है, CBDC होलसेल और CBDC रिटेल। इसकी वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। इसको फिजिकल करेंसी की तरह ही एक्सेप्ट किया जाएगा और तो और ई रूपी को मोबाइल वॉलेट में भी आप रख सकते हैं। इसे रखने के लिए आपको बैंक खाते की जरूरत भी नहीं होगी। इसको मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर जैसे शहरों में पहले स्टार्ट किया गया था। अब अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। अब डिजिटल करेंसी के फायदे क्या क्या है ये जान लीजिए। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लोगों को जेब में कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं रहेगी। मोबाइल वॉलेट की तरह ही इसमें पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। डिजिटल रुपए को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में पैसे भेजने की लागत में कमी आएगी और ई रूपी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। अब जाते जाते ई रूपी ट्रांजैक्शन UPI से कैसे अलग है ये जान लीजिए। UPI से ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ता है। इसके लिए या तो आपको खुद फिजिकल करेंसी को अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है या फिर कहीं से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी को एक बार तो फिजिकल करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट करना ही पड़ता है, तभी ये ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है। लेकिन ई रूपी आने के बाद एक बार भी फिजिकल करेंसी को अकाउंट में नहीं डालना पड़ेगा, यानी सारी झंझटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ई रूपी ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट की जरूरत ही नहीं होगी। RBI फिजिकल करेंसी की जगह सीधे डिजिटल वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर देगा। इसका मतलब है कि आप अभी जिस तरह से अपने पॉकेट में नोट रखते हैं, उसकी जगह वॉलेट में ई रूपी रखेंगे और एक दूसरे को पेमेंट कर पाएंगे। ये डिजिटल वॉलेट बैंक द्वारा मुहैया कराया जाएगा। अब RBI के इस कदम से तो लगता है कि जल्द ही डिजिटल करेंसी देश के सभी जगहों पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा और जनता को पेमेंट करने में काफी सहूलियत मिल जाएगी। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।